SIFC जो एक गेम चेंजर और इस CPEC के पैरेलल एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी जो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो बड़ा ही इंटरेस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में शो कर रही है कि ये मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे आर्मी चीफ साहब की हिमायत, उनका तावुन, सरमायाकारी को लेके, क्योंकि अभी देखिए माइन समिट हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तारीख में पहली समिट थी। ये वो चंद एलिमेंट्स हैं सईद साहब के, अगर इनको देखा जाए तो इस वक्त ये जो दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं इसको किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? आपने जो सवाल जो कहा कि SIFC के साथ तो स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो नासिम मुनीर साहब ने उसमें बनाई है पेंटर हाउस के अंदर पेंटर सेक्रेटेरिएट में, इसका मकसद कहती है जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर जब सेटअप के ऊपर हमने पोजिशन लेने थी उसके तमाम वर्क प्लान पर काम करना था, तो एक वन विंडो किस्म का ऑपरेशन एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंडीशन क्रिएट करने के लिए ये SIFC बनाई गई। अब SIFC जो है उसने खासा अपना काम मुकम्मल कर लिया है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि खातर खा इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को हमेशा सिक्योरिटी चाहिए होती है, इस तरह की चाहिए होता है जहाँ इन्वेस्टमेंट जो प्रोटेक्टेड रहे और वो खुलकर अपना बिजनेस कर सके। अब ये किसी भी सूरत एक ऐसी हमारे दुश्मन मुल्क को बिल्कुल भी नहीं भा सकती ये चीज जिसमें कि पाकिस्तान पांव पे वापस खड़ा और IMF से बाहर निकल सके, तो इन तमाम हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में जो अंदरूनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिलकर खड़ा होने की जरूरत है, एक ऐसा नैरेटिव बनाने की जरूरत है कि जिसमें दुश्मन ममालिक जो इतना की चीजें कर रहे हैं उसके आप अलग कार बनने के बजाय हम खिलाफ खड़े हो जाएंगे।